जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। आज इस वीडियो में हम आपको वाक्य के बारे में बताएंगे। वाक्य क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और जब वाक्य आपके वाक्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो उसे किस तरह से आपको हल करना होता है। चूंकि यहाँ पे पूछ लेता है कि कोई आपको वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, सामान्य वाक्य है, इसमें मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, बहुत तरह से आपको सवाल पूछा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला सवाल है, हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताएंगे। धीरे धीरे आपको जो है उसका हम डिटेल में एनालिसिस भी बताएंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला वाक्य है, राम पढ़ता है। ये किस तरह का वाक्य है दोस्तों? ये सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे एक उद्देश्य है और एक विधेयक है, यानी एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। तो ये एक सरल वाक्य हो गया, राम पढ़ता है। नेक्स्ट वाक्य है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा वाक्य है? ऑप्शन में आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो ये संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किससे होते हैं? संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह लगा होता है। देखिए यहाँ पे किंतु लगा हुआ है, इस सफलता का संबंध आपके यहाँ पे परिश्रम पे पड़ रहा है। और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी नहीं तो नहीं किंतु शब्द का प्रयोग परंतु लेकिन पर, ये शब्द अगर बीच में योजक चिन्ह लगे हुए हैं तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें से कोई भी अगर एक आएगा तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों वाक्य के भेद के, तो वाक्य यहाँ पे सामान्यतः तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और प्रकार होते हैं, वो अलग अलग तरीके से होते हैं, अभी हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको यदि दिख रहा है, उसके बाद आपको तो भी दिख रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका मिश्रित वाक्य। क्योंकि यहाँ पे यदि तो पे डिपेंड है कि जो, क्योंकि जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब जहाँ, इधर उधर, यहाँ पे अगर यदि तो, यहाँ पे अगर या यदि तो अगर है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में और एवं तथा या इसलिए योजक चिन्ह यानी जो जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो संयुक्त मिश्रित वाक्य होता है वो इधर वाला उस पर पूरा डिपेंड होता है। यदि आप यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, यदि आप परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, या सफल होने का काम यहाँ पे आपके परिश्रम पे डिपेंड कर रहा है। साथ में आपका योजक चिन्ह आपको ध्यान देना है, यदि तो लगा हो। अब यहाँ पे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। यहाँ पे इच्छा जताई जा रही है कि आप जो है ईश्वर तुम्हें सफलता दे। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। देखो जब यहाँ पे रहा जाता, सहा जाता, इस तरह से वाक्य आएंगे तो वो होते हैं भाववाच्य। रहा जाता, कहा जाता, सहा जाता, खाया जाता, इस तरह से जब पूछा जाएगा तो आपका भाववाच्य हो जाएगा। मोहन नहीं आने वाला है, तो ये कैसा वाक्य है? बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक और आखिरी ऑप्शन है नकारात्मक। तो यहाँ पे नकारात्मक, क्योंकि यहाँ पे नहीं का बोधन हो रहा है। निम्नलिखित में से कर्तवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, उसके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पे जो कर्तवाच पूछा हुआ है, तो यानी जो कार्यकर्ता द्वारा हो रहा है वो ऑप्शन यही है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया मोहन के द्वारा हो रही है। ये निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम कौन सा है? यहाँ पे ये वाला आपका अल्प विराम है। डॉट का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता, ये इंग्लिश में किया जाता है। ये आपका अर्ध विराम है और ये पूर्ण विराम है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? तो अर्ध विराम आपका हो जाएगा बी वाला। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो यहाँ पे जब हो सकता है लगाए हैं तो ये हो जाएगा संदेहवाचक। अन्य शब्द शायद भी लगाया जा सकता है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं।
क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता है। यहाँ पे सिर्फ पर का प्रयोग किया गया है और हमने बताया हुआ है, और एवं तथा या अथवा इसलिए, किंतु परंतु लेकिन पर लगा हुआ है तो ये संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। फिर है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने MA BEd पास किया है। दोस्तों जब एक से अधिक उपाधियां होती हैं तो वहाँ पे अर्ध विराम बीच में लगाया जाता है और इसमें सिर्फ बी वाले में लगा हुआ है। देखिए जब आप लिखेंगे इसको MA अर्ध विराम BEd, इस तरह से आपको लिखा जाएगा। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, बिल्कुल होते हैं, तो इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोला जाता है। कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेष्य, तो उद्देश्य और विधेय होगा इसका। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक और अवतरण। अवतरण यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अब दोस्तों देखिए अभी मैंने बताया था ना आपको वाक्य के प्रकार, अब यहाँ पे अर्थ के आधार पर पूछा गया है। अर्थ के आधार पूछेगा तो वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयावाचक, विस्मयादिबोधक, इसको बोलते हैं संकेतवाचक। 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर अगर वाक्य पूछेगा तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, जो भी हमने आपको बताया, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। इसी को सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से रेखांकित उपवाक्य बताइए। यहाँ पे उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है, जब अगर वाक्य जो से शुरू होगा तो इसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, क्योंकि की जो है किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, और व्यक्ति क्या होता है? संज्ञा होता है। और जो यहाँ पे इशारा कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये आपका विशेषण उपवाक्य हो गया। उसके बाद विशेषण उपवाक्य हमने बता ही दिया, जिसे, जिसको, जिसे, जिसने, जिसको, यहाँ पे विशेषण उपवाक्य। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। क्रिया विशेषण जब पूछेगा तो आपको ध्यान देना है, इसका प्रारंभ क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि से होता है। जैसे यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। यहाँ पे यदि अगर लग गया है तो समझ लीजिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। दोस्तों तो उपवाक्य जल्दी से नहीं पूछता, लेकिन जब डिटेल में जाता है तो फिर अंदर अगर पहुँचता है तो उपवाक्य में पूछा जाता है। अभी ड्राइवर वाले में पूछा था। तो यहाँ पे हमारे वाक्य से संबंधित सवाल एंड होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे।